नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ रायपुर। तो पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग सांसद विजय बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा सप्ताह में 6 दिन मिलेगी। विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत को हरी झंडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा सप्ताह में 6 दिन, दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। तो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि सप्ताह में 6 दिन ट्रेन चलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपी साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को, पीएम मोदी दिखाएंगे दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत को हरी झंडी, अपडेट दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही देर में वंदे भारत एक्सप्रेस को यहां पर हरी झंडी दिखाने वाले हैं। मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर की तस्वीर यहां पर दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से यह सुविधा जो है वो यहां पर है, सुरक्षा के से देखें तो काफी यहां पर जो सुविधाएं हैं अब वो इस वंदे भारत ट्रेन में तो संवाददाता गोपी साहू वंदे भारत जो ट्रेन है उसमें मौजूद है और वहां की जो सुविधाएं हैं वो दिखा रहे हैं। बता दें कि दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी।
गोपी, क्या कुछ तस्वीरें हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक बड़ी सौगात है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर लोगों से भी चर्चा करेंगे कि उन्हें आखिर किस तरीके का है, यहाँ पर महसूस हो रहा है कि आज आप लोग वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली, आप लोग यहाँ से सफर करें, क्या कहना है? जी हम लोग अटल से हैं, आज बहुत ही है, और इससे न केवल एक जो लोगों को सहूलियत मिलेगी, छात्रों को और जो लोग पर्यटन के रूप में इसका उपयोग करना चाहते हैं, बहुत बड़ा, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। बिल्कुल, तो सभी कहीं ना कहीं इसे लाभ जो है उससे मिल रहा था, परिवार भी इनसे भी बात करेंगे, आपको भी स्टैंड में सफर करेंगे, आज इसकी सौगात मिली है वंदे भारत की। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ को एक नई सौगात दी नई ट्रेन के रूप में, और अभी तो नई सफर है, आज सफर करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा, फिर आगे की बात करेंगे। हम क्या कहेंगे, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह भी जो है वो भी देखा जा रहा है कि कहीं जिस तरीके से सौगात मिली और लोग इसमें सफ़र करें, कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, पहली सौगात मिली है, क्या कहेंगे, उत्साह है मन में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? मैं तो थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने हमें यह मौका दिया इस ट्रेन में बैठने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझको ये ट्रेन में बैठने का मौका मिला। पहली बार ये बैठे हैं ट्रेन में? बहुत सारे, बस इतना ही। आप पहली बार इस वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं? हाँ। कैसा लगा आपको ये देखकर, क्योंकि सफाई है, सुरक्षा के लिहाज से और तमाम सभी लिहाज से, और ये ट्रेन भी अच्छा ही है, फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, आप पहली एक्सपीरियंस है ट्रेन में इस तरह का सफर करने का, और हम और भी जो सर बड़ी सौगात मिली है, लगातार सभी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, क्या कहेंगे ट्रेन के बारे में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा व्यवस्था है, और रेलवे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कल्याण समिति जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, पी के इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया है। बिल्कुल, जब हम लोग 1990 दशक में सोचते थे कि रेलवे का कभी स्तर बढ़ेगा कि नहीं, बचा होगा, लेकिन आज उसको मोदी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो इतने कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किए हैं, और हमारे माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ और विशाखापट्टनम के लिए इंटर गेट के रूप में वंदे भारत को किए हैं, और इसमें व्यापार बढ़ेगा और हम सब लोगों को सुविधा मिले, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा रेलवे को और मोदी जी। व्यापार बढ़ेगा और इस रूट कर बात है तो औद्योगिक है, राजधानी रायपुर और दुर्ग साथ विशाखापट्टनम में बंदरगाह है, तो इससे कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इससे बिल्कुल दोनों ही राज्यों में व्यापार बढ़ेगा, साथ ही छात्रों की हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी दुर्ग रायपुर जो है वो प्रख्यात है, उसमें विशाखापट्टनम में जब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो है, तो उनकी आवाजाही में काफी सुविधाएं जो है बनी हुई, तो बिल्कुल सभी इस सौगात से खुश हैं, उत्साहित हैं, जब पहली बार इस वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं तो उनके अलग उत्साह जो है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, गोपी यदि देखा जाए तो कई सुविधाओं से ये जो ट्रेन है लेस है, और इसी के लिए जो ट्रेन है सप्ताह में सिर्फ 6 दिन चलेगी और मेंटेनेंस के लिए 1 दिन की छुट्टी की जाएगी ताकि मेंटेनेंस जो है बरकरार रहे। जी बिल्कुल, सप्ताह के 6 दिन इस ट्रेन की सेवा जो है वो बिल्कुल मिलेगी, और 1 दिन मेंटेनेंस यानी गुरुवार के दिन इस ट्रेन की जो है वो सेवा नहीं मिलेगी, ताकि उस दिन मेंटेन उसके किया जा सके और इसे मेंटेन करके, क्योंकि काफ़ी अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें या स्वच्छता के लिहाज से बात करें तो काफ़ी स्वच्छ और सुरक्षित यह है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, और गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन यह ट्रेनें चलेगी, तो इसकी पूरी पूरी कोशिश भी की जा रही है, और देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और इस ट्रेन को लेकर के, तो बिल्कुल अगर यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो दिया गया है, बता दें कि ये जो गेट है, ये जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक बंद होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर दिखाया भी गया कि गेट जो है वो बंद होने वाले तो अपने स्थान पर हो सके, तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी सुविधाएं जो है वो दी गई है, डिजिटल के रूप में पूरी तरीके से इसे डिजिटल के रूप में इसमें यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर के दरवाजे फिलहाल के लिए
कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो बार बार ऊपर उतार चढ़ाव न करें और किसी तरह के हादसे ना हो। तो इसके सभी तरीके की जो सुझाव है, सभी तरीके की जो यहाँ पर सुविधा है वो यहाँ पर तमाम दी गई है। सभी रेलवे के अधिकारी हैं, सभी यहाँ पर मंत्रीगण अभी आए हुए हैं और कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और यह ट्रेन आज राजधानी रायपुर से निकलेगी विशाखापट्टनम तक। फिर रोजाना यह ट्रेन जो है वो दुर्ग से बनेगी और दुर्ग से विशाखापट्टनम तक का सफर लोग इसमें कर पाएंगे। महज 8 घंटे में ही लोग दुर्ग से विशाखापट्टनम पहुंचेंगे। पहले इसी की दूरी, इसी का जो समय था वो लगभग 12 घंटे जो है वो लगा करते थे, लेकिन अब इसे महज 8 घंटे में ही तय कर लिया जाएगा, तो लोगों के समय की भी काफी बचत जो है वो होगी। जी बिल्कुल गोपी, कम समय में ज्यादा दूरी जो है ये ट्रेन तय करेगी, कम स्टॉपेज भी होंगे फिर तो। जी बिल्कुल, कम स्टॉपेज भी है और जो जिस तरीके से हमने पहले भी देखा दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम तक काफी ट्रेन है, स्टॉपेज है वो वही है, लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें वो लगभग जी तो छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात। विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कुछ ही देर में करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी, हरी झंडी दिखाएंगे। आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी और नीले आसमाने के तले है, No!